देश और पूरी दुनिया में जो अपना आतंक मचाया हुआ है, उस कोरोना वायरस से बचने के लिए किस तरह से लोगों को अपनी सुरक्षा के इंतजाम और इस वायरस से कैसे लोग सचेत रह सकते हैं, इसके लिए अलीगढ़ पुलिस लाइन में आज एसएसपी सहित अलीगढ़ पुलिस के आला अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी और डॉक्टर्स द्वारा कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता को लेकर एक मीटिंग का आयोजन अलीगढ़ पुलिस लाइन के सभागार कक्ष में कराया गया। सभागार में एनजीओ है एक लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी, उनका माध्यम से जो आजकल जो कोरोना वायरस है उसका बारे में एक जागरूकता अभियान के लिए एक सभागार में मीटिंग कराया, जिसपे हमारा पुलिस कर्मचारी पुलिस लाइन के अंदर सब इकट्ठा कराया और उन लोगों को सबका हमने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक बताया था। डॉक्टर साहबान लोग उसका चीज का कोरोना वायरस से कैसे बच के रहना है और कैसे सावधानी बरतना है उसके बारे में उन्होंने एक जागरूकता अभियान चलाकर उन्होंने बताया। उसके साथ साथ उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा है और इसी का हम लोगों ने पूरे छत्तर से लेके जाएंगे, इसलिए जो है कार्यक्रम आज का। लक्ष्मी वेलफेयर सोसाइटी, मैं इसका अध्यक्ष हूँ डॉक्टर विभव वार्षणी। हमने आज पुलिस लाइन्स में एक मास्क डिस्ट्रीब्यूशन, सैनिटाइजर डिस्ट्रीब्यूशन कैंप किया था। इसके साथ हमने जन जागरूकता अभियान चलाया है, उसके तहत हमने पुलिस वालों को जागरूक किया कि कोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ सावधानियों से हम उस पर विजय पा सकते हैं। कितने आज आपने कितने सैनिटाइजर और कितने मास्क बांटे थे? हमने 250-250 के करीब सैनिटाइजर और मास्क का डिस्ट्रीब्यूशन किया। कौन कौन रहे हैं आपकी संस्था की तरफ से, कौन कौन थे और अधिकारी कौन कौन मौजूद रहे थे? हमारी संस्था की तरफ से हमारे सचिव श्री कमलकांत शर्मा, हमारे कोषाध्यक्ष श्री नीरज गुप्ता जी, हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर गौरव गर्ग, डॉक्टर अनूप कुमार, श्री उमेश चंद वार्षणेय मौजूद थे। पुलिस अधिकारियों में श्री एसएसपी साहब श्री मुनिराज सिंह जी, एसपी क्राइम डॉक्टर अरविंद जी, एसपी ट्रैफिक श्री अजीजुल हक साहब जी और सीडीओ श्री अनुनय झा साहब मौजूद थे। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।